हेलो फ्रेंड्स, मैं ऊषा गुप्ता, आपकी गार्डनिंग फ्रेंड, आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो का टाइटल है वो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे किचन की शान है। ये देखिए मेरे हाथ में बेकिंग सोडा है, ये हमारे किचन की शान है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके बिना हमारी किचन अधूरी है। हमारे किचन में जो भी राजमा है, चने हैं, जो भी हम चीज़ें बॉयल करते हैं उसमें इसकी अहम भूमिका है, मेन रोल है इसका। और जितने भी केक पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए भी इसका बहुत खास रोल है। तो ये बेकिंग सोडा जो है ये तो हमारे किचन में काम आता ही आता है, साथ साथ हमें हमारे ये प्लांट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो देखिए आज इस बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं कि हमारे प्लांट्स में किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको प्लांट से दूर करके हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है। अब हम बात करेंगे कि मीठा सोडा प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल है। मीठे सोडे में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये 100% डी बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन टॉक्सिन भी होता है और सस्ता भी है। यह हमें किसी भी पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाता है। इसका पहला फ़ायदा ये है कि हम मीठे सोडे का यूज़ करके एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। बारिश के दिनों में गार्डन में से निकलने वाले स्लग्स, स्पाइडरमाइट्स एंड स्नेल्स के अटैक को भी रोक सकते हैं। इस स्प्रे को बनाने के लिए हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से इस स्प्रे को बनाकर इसका कैसे यूज़ करना है। मीठे सोडे की हेल्प से हम हमारे प्लांट्स की पत्तियों को भी क्लीन कर सकते हैं। मीठे सोडे की हेल्प से हम हमारे गार्डन टूल्स को भी 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डालकर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मीठा सोडा जो है हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पोटिंग मिक्स बनाते समय या कंपोस्ट पिट से बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। टोमेटोज़ यानी टमाटर के प्लांट्स में टमाटर की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए टमाटर के प्लांट के चारों ओर मीठे सोडे का स्प्रे करें। मीठा सोडा अनवांटेड वीड्स को भी निकालने में हेल्प करता है। कई बार गमलों में चींटियां घर बना लेती हैं, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए गमले के चारों ओर बेकिंग सोडा डाल दें। रोज़ प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मीठा सोडा हमारी हेल्प करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स पर स्प्रे करने से फूल शानदार खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से एक मामूली सी चीज़ किचन में यूज़ होने वाली हमारे प्लांट्स में भी मैजिक करती है। हमें फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है प्लांट्स पर, ना कि बेकिंग पाउडर का। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स इसका हमें प्लांट्स पर यूज़ कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं और आइए देखिए स्प्रे बनाते हैं और स्प्रे बना के उसको किस तरह से प्लांट्स पर यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। स्प्रे बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे। 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे, इसके बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। और इसके बाद हम कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून इसको हम इस पानी में ऐड करेंगे। इस पानी में हम इसको ऐड करेंगे और इसके बाद जो है कोई भी डिटर्जेंट या शैम्पू इसको हम लेकर 1 टेबल स्पून इसको भी हम पानी में इसमें ऐड करेंगे। इसको सबको ऐड करने के बाद हम इसको फ्रेंड्स अब देखिए क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चलिए हम इसको दिखाते हैं कि प्लांट्स में इसको कैसे स्प्रे करना है, आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो स्प्रे बनाया था इस स्प्रे को हम इस तरह से पूरे रोज़ प्लांट के चारों तरफ या कोई भी प्लांट है उसके चारों तरफ हम इस पानी को इस तरह से स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो सेकेंड मेथड में देखिए फ्रेंड्स, ये हम मीठा सोडा लेंगे और मीठे सोडे को डायरेक्ट हम जो है प्लांट के चारों इस तरह से स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी मिली बग्स है, एफिड्स वगैरह है, सब ये दूर हो जाएंगे और हमारे जो प्लांट्स जो बिल्कुल एकदम सेफ हो जाएंगे और इनकी जो पत्तियाँ वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये हमारा सेकेंड मेथड है। अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड मेथड,
थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, हम 1 टेबल टीस्पून जो है हम बेकिंग सोडा लेंगे, मीठा सोडा, और इसको हम क्या करेंगे प्लांट्स के चारों ओर साइड साइड में, बिल्कुल चारों ओर साइड साइड में थोड़ा थोड़ा स्प्रे करेंगे, जिससे जितने भी ये ज़मीन में मिट्टी में जितने भी कीटाणु या जर्म्स वगैरह हैं वो सब दूर हो जाएंगे और हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।